वेलकम टू पार्ट 6 ऑफ एपिसोड 3। इसके पहले हमने 5 पार्ट्स रिलीज किए थे एपिसोड 3 के, जहां पे मिस्टर रजा के साथ हमने अलग अलग क्रिप्टो टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया था। अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो उन सारों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन्हें ज़रूर क्लिक कीजिए, उन्हें देखिए। इस वीडियो में हम बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास कैसा है, क्रिप्टो करेंसीज एज एन एसेट क्लास कैसे है, ये किससे रिजेंबल करते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे मिस्टर रजा के साथ। क्रिप्टो करेंसीज के अराउंड, जैसे आप देखते हो बिटकॉइन है, इथेरियम है, अलग अलग करेंसीज है, कुछ के अराउंड अडॉप्शन की चीजें दिख रही है, जैसे रिपल हैज काइंड ऑफ कुछ ओमानीज बैंक्स हैव स्टार्टेड यूजिंग रिपल, और अडॉप्शन के लिए काफी सारी चीजें हो रही है, जैसे बिटकॉइन के अराउंड लाइटनिंग नेटवर्क इज काइंड ऑफ गेटिंग डीसेंट अमाउंट ऑफ अडॉप्शन। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सबसे क्लोज पैरेलल क्या है इन चीजों का। जैसे बिटकॉइन को अगर किसी एग्जिस्टिंग एसेट क्लास या पेमेंट मैकेनिज्म या किसी चीज से रिलेट करना होगा तो व्हाट इज द क्लोजेस्ट पैरेलल दैट इट काइंड ऑफ गेट रिलेटेड टू। ये इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि बेसिकली फाइनेंशियल हिस्ट्री में ऐसा होता है कि काफी सारे चीजें रिपीट होती है, देयर आर बूम साइकल्स, देयर आर बस्ट साइकल्स। जैसे क्रिप्टो में भी ये 3-4 बार ऑलरेडी हो चुका है। अभी वी आर इन अ बेरिश मार्केट, वी वर इन अ बुल रन इन 2017 इन द स्टार्ट ऑफ 18, और फिर उसके बाद एक बेरिश मार्केट आया, फिर ऊपर जाएगा। मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि इट वुड काइंड ऑफ गो अप बिकॉज देयर आर लाइक एक्सेप्शनली स्मार्ट पीपल वर्किंग ऑन दिस एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स। मतलब नॉट ओनली ऑन द कोर प्रोटोकॉल, जैसे बिटकॉइन के कोर प्रोटोकॉल पे ही नहीं, बट नॉट ओनली बिटकॉइन, इथेरियम के अराउंड भी काफी सारी चीजें हो रही है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के अराउंड, और बहुत सारे स्मार्ट टीम्स वर्क कर रहे हैं इसके अराउंड। तो अडॉप्शन जैसे ही बढ़ेगा वो वैल्यू वुड कैच अप टू द प्राइस। एक बुल मार्केट में वही होता है कि प्राइस सुपरसीड्स वैल्यू, प्राइस आगे चले जाता है वैल्यू की, और एक बेयर मार्केट में उल्टा हो जाता है कि द वैल्यू काइंड ऑफ इज अहेड ऑफ द प्राइस दैट इज काइंड ऑफ इट इज बीइंग डिनोमिनेटेड। तो अगर इसे किसी एग्जिस्टिंग एसेट क्लास या किसी पेमेंट मोड से अगर कंपेयर करना होगा तो वो कौन होगा, मतलब व्हाट वुड बी द क्लोजेस्ट पैरेलल फॉर समथिंग लाइक अ बिटकॉइन और रिपल और समथिंग, एंड वो पैरेलल के बेसिस पे मतलब पीपल कैन ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट बेटर कि व्हाट वुड हैपन विद रिस्पेक्ट टू going forward in terms of however cycles have kind of played out. जैसे मैं से ऐसा consider करता हूँ कि Bitcoin is the digital equivalent of gold. Bitcoin is just digital gold. And gold over a period of time always appreciates with respect to fiat. There is absolutely no doubt gold does not lose value. तो जैसे 1970 में ऐसा था कि 100 रुपए के basis पे you used to get 10 gram of gold. और अभी अगर आप वो 100 रुपए एक बक्से में रख देते और 10 ग्राम ऑफ गोल्ड एक बक्से में रख देते तो आज उस 10 ग्राम ऑफ गोल्ड पे यू कैन गेट 35,000 और 32,000 INR बैक, राइट? तो इससे यही पता चलता है कि INR इज डेप्रिशिएटेड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज कंपेयर्ड टू गोल्ड, और ये ट्रू है सारे फियाट करेंसीज के लिए, नॉट स्पेसिफिकली इंडिया, बट सारे फियाट करेंसीज ऑल अक्रॉस द ग्लोब are inflationary economies, or inflationary economies would always kind of depreciate with respect to a scarce resource which is decentralized and globally kind of acceptable. So gold वो चीज़ है। तो आपका क्या parallel है, आपको क्या लगता है कि किस asset class को सबसे ज़्यादा resemble करता है, so that people can kind of understand better? जो Bitcoin है वो किस asset class को resemble करता है सबसे? हाँ मतलब हाँ सबसे closely। देखिए जो मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन जो है इसको जो लोग सबसे ज्यादा जो आज भी अगर लोग इसमें आ रहे हैं और कल को भी जाएंगे वो इसे ऐसे स्टोर ऑफ वैल्यू देखते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जब भी जैसे हमने पीछे भी एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने बात करी कि फाइनेंशियल क्राइसिस इज जस्ट लूमिंग अराउंड, राइट? 2019-2020 में कभी भी ये हो सकता है। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो लोग जो है एक सेफ हेवन की तरफ भागेंगे, राइट? और उनको ये लगता है कि जो बिटकॉइन है बिकॉज इसने प्रूव किया है कि पिछले 10 साल की एक इसके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये ग्रो ही किया है। बीच में अप डाउन हुआ है वो डेफिनेटली
बट अगर आप ओवर और क्यूमुलेटिव देखोगे तो कहां से कहां की जर्नी आगे 10 साल में इसने प्रूव कर दी है। right. इससे ज्यादा बढ़िया रिटर्न मुझे नहीं लगता कि दुनिया में हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं होगा किसी एसेट क्लास ने इतना रिटर्न दिया। और ये जितना ज्यादा आज स्टेबल है, आप लोगों को लगता है कि बियरिश है, बियरिश है, बियरिश है, बियरिश नहीं है। ये बेसिकली इसका जो बेस स्ट्रॉन्ग हो रहा है आज, जितना ज्यादा मैं तो कहता हूं, अगर अगले 6 महीने भी अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो तो आपको एक्चुअली में खुश होना चाहिए। मैं टू बी ऑनेस्ट, इफ यू आस्क मी, आई एम हैप्पी। लॉन्गर इट स्टेज, स्ट्रॉन्गर इट विल बिकम, राइट? बिकॉज लोगों को एक्चुअली में पता लगेगा कि ये इसका बेस है, ये इसके अंदर लोग अब जुड़ेंगे, लोग को लगेगा कि जेन्युइनली एक करेंसी है, ये जेन्युइनली एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, जेन्युइनली इसके इसके अंदर लोग इंटरेस्टेड है। तो ये इसके अंदर जो फ्यूचर में भी लोग एंटर करेंगे वो इसके अंदर एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए आएंगे, क्योंकि अभी बिटकॉइन का जो यूजेज है, जो इसका जो जैसे मोड ऑफ पेमेंट है, अभी लाइटनिंग नेटवर्क ने जरूर प्रूव किया है कि बिटकॉइन को आप एज अ मोड ऑफ पेमेंट यूज कर सकते हैं, बट इट हैज टू बी सीन कि इवेंचुअली कितने लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं, कितने वेंडर्स इसे एक्सेप्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी फ्रंट पे यस, हमने एक ब्रेक थ्रू कर लिया है, क्योंकि बिटकॉइन का जब तक वेंडर्स एक्सेप्ट करना शुरू नहीं करेंगे, जब तक इसे मैं और आप यूज करना ना शुरू करेंगे एज अ मोड ऑफ पेमेंट, तब तक इसकी ये कहना कि ये इसकी एक्सेप्टेंस बहुत मास लेवल पे बढ़ेगी, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, लोग अगर शुरू में आएंगे, एंटर करेंगे, तो वो इस पे एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंटर करेंगे। पैसे हो सकता है वो रिपल के थ्रू भेज रहे हो, XRP के थ्रू भेज रहे हो सकता है, वो लाइटकॉइन के थ्रू खरीद रहे हो, राइट? हो सकता है वो किसी से कुछ काम करवा ले तो उस इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इथेरियम पे इस्तेमाल कर रहे हो, राइट? राइट, बट जिसे कहते हैं ना कि स्टोर ऑफ वैल्यू के अंदर वो बिटकॉइन को के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। आई थिंक दैट इज व्हाट आवर बिलीफ इज। ये एक काफी इंटरेस्टिंग है, लोगों को इसको समझना चाहिए, क्योंकि जैसे आप कंपेयर भी करते हो, जैसे एक US डॉलर के रिस्पेक्ट में एक साल पहले द प्राइस वाज 63 रुपीज और रिसेंटली इट वेंट टू एज हाई 74 रुपीज, राइट? तो एक आपका परचेसिंग पावर कैपेसिटी के टर्म्स में यू हैव योर परचेसिंग पावर कैपेसिटी इज रिड्यूस बाय 15% विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो और ये काफी कंट्रीज में तो ऐसा हो चुका है कि जो लोग अपना पूरा 30-35 साल मेहनत करके रिटायरमेंट सेविंग्स उनका था, उसके वैल्यू एसेंशियली जीरो हो गई, क्योंकि द इन्फ्लेशन काइंड ऑफ पार्ट ऑफ द इन्फ्लेशन बिकेम दैट हाई इन कंट्रीज लाइक वेनेजुएला, अर्जेंटीना, टर्की, जिम्बाब्वे, क्वाइट अ फ्यू ऑफ दीज कंट्रीज, जहां पे पीपल आर काइंड ऑफ टेकिंग एनीथिंग एक्सेप्ट देयर ओन करेंसी। लाइक वेनेजुएला में तो ऐसा है कि लोग कहते हैं मुझे एग दे दो या ब्रेड दे दो या समथिंग एल्स दे दो, दैट वुड रिटेन बेटर वैल्यू देन बोलिवार, बिकॉज बाय द टाइम आई टेक इट एंड गिव इट टू समवन एल्स द वैल्यू इज ऑलरेडी हाफ, राइट? तो यहाँ पे पीपल मतलब इन ऑल ऑफ दीज कंट्रीज एनीवेज द अडॉप्शन इज काइंड ऑफ शॉर्ट अप लाइक एनीथिंग, द अडॉप्शन इज काइंड ऑफ ग्रोइंग वेरी रैपिडली देयर। एंड ओवरऑल एज वेल, अगर लोग नोटिस करेंगे 10 साल पहले US डॉलर के कंपैरिजन में इट वाज दैट कि एक आयन मतलब 1 US डॉलर वाज 40 रुपीज, 30 years back इट वाज 8 रुपीज, इंडिपेंडेंस जब हुआ था तो 3 रुपए था। तो ओवरऑल US डॉलर के टर्म्स में भी INR डिप्रिशिएट किया है, दैट्स वन, एंड US डॉलर इन इटसेल्फ हैज डिप्रिशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। तो अगर आपको लगता है कि एक गोल्ड या स्टोर ऑफ वैल्यू का ये रिप्लेसमेंट है, तो people should kind of definitely park certain amount of money, maybe a small value as it is like 5% of their portfolio or 10% of their portfolio into Bitcoin, because in case any recessionary thing happens, right, something like a financial depression or anything of that sort happens, jo bhi ye safe haven se, they shoot up in value like anything. Jaise 10 saal pehle gold 2007-2008 mein 4000 rupees aata tha 10 gram ka, और जैसे ही फाइनेंशियल रिसेशन आया 2008 और 2009 में, पीपल मूव टू सेफर स्टोर ऑफ वैल्यू, बिकॉज द ट्रस्ट इन अ फियाट करेंसी रिड्यूसेस, बिकॉज फियाट का लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फेथ, इट्स बैक्ड बाय द फेथ इन द गवर्नमेंट, और जब भी एक रिसेशन आता है तो फेथ कम हो जाता है, एंड दैट्स व्हेन पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग अ डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर ऑफ वैल्यू, कि जहां पे किसी गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी नहीं है,
आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं किया जा सकता है, इट्स अ स्कैर्स रिसोर्स, उसको माइन करना पड़ता है, एंड व्हेन दे काइंड ऑफ हैव इट, मतलब वही कि इट वुड काइंड ऑफ अप्रिशिएट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. दैट सेम थिंग हैज काइंड ऑफ हैपेंड विद बिटकॉइन. अप्स एंड डाउन्स हैव बीन अ लॉट मोर क्रेजियर, बट ओवरऑल इफ यू काइंड ऑफ प्लॉट इट ऑन अ कर्व, इट हैज ऑलवेज गॉन अप विद रिस्पेक्ट टू US dollar or INR as well on a longer period of time. Absolutely. Here I would like to add one more point. Right. This is for somebody who's जैसे कहते हैं ना कि first timer है या जैसे ही लगता है कि वो fascinate होके जब इस industry में आता है, जब वो crypto के अंदर आता है, तो वो बिल्कुल ऐसे आता है जैसे काफी सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो बिटकॉइन जिंदाबाद और सब कुछ भुला बैठे. तो मेरा उनको एक ही चीज का सजेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये मैं एक बात आपके इन्वेस्टर्स जो आपके यहाँ पे जो ट्रेडर्स जो सबसे पहले आप जब इस इंडस्ट्री में आए, ठीक है, तो आप जैसे एक नॉर्मली एक म्यूचुअल फंड में या किसी जगह आप इन्वेस्ट करते हो तो आप सारा पैसा उठा के क्या एक इक्विटी फंड में डाल देते हैं? नहीं डालते ना. Right. सबसे पहले आप अपनी चीजों को अपने आराम से बैठिए सुकून से कि आपको लाइफ में करना क्या है. राइट आप सबसे पहले मिलेनियल्स को मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी एक साल से मिलेनियल से निकल गया हूँ क्योंकि मैं 39 का हो गया, तो मैं जस्ट 38 से अभी निकला, तो मैं अभी कुछ महीने पहले मिलेनियल था. तो सबसे पहले आप एक लाइफ इंश्योरेंस लो, टर्म लाइफ इंश्योरेंस. सबसे पहले अगर आपके पास पैसे पड़े हैं ना, सबसे पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लो. 500-600 रुपए में 1 करोड़ रुपए का आ जाता है. तो आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो आपका परिवार उस दिन ये नहीं देखेगा कि आपने बिटकॉइन में लगाया था, क्रिप्टो में लगाया था, वो कहां गए. राइट नहीं देखेगा कि उसका वो चल सकता है. तो खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ होता है तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लो यार सबसे पहले. दूसरा यार, सबसे पहले ना ये काम आपने कर लिया तो उसके बाद आप मेडिकल इंश्योरेंस लो यार. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेते, क्रिप्टो में तो पैसा लगा दिया है, ना टर्म इंश्योरेंस लिया ना मेडिकल, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी अगर खुदा ना खासा कोई आपके घर पे ना आ जाए, बट अगर आ गई तो आपके पास प्रिपेयर्ड हो, आपके पास इंश्योरेंस हो, आप उसको उसकी यू कैन टेक केयर ऑफ दैट. राइट तीसरा, आप ट्रेडिशनल जो मार्केट के अंदर जो एसेट्स है उसके अंदर भी इन्वेस्ट करो. आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करो, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, आप म्यूचुअल फंड लो. किसी किताब में नहीं लिखा कि आप अंधकार में जाके काली पट्टी बांध के झंडा लेके बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दो. हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट लाइफ डजंट गो लाइक दैट. यू कांट टेक ह्यूज रिस्क. आप अपनी लाइफ की स्टेज को पहचानिए कि आप किस जगह पे हैं, आप कौन सी स्टेज में है लाइफ के. आप 25 साल के हैं, आप 35 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं. आप अपनी आप ये देखिए आपको कितना टाइम बचा है रिस्क लेने का, कितना टाइम बचा है रिटायरमेंट का, उस हिसाब से करिए. ऐसा मत करिए कि पैसा आपने उठाया कहीं से, पर्सनल लोन लिया और घुस गए इसके अंदर और टाल दिया बिटकॉइन के अंदर और अब तो मेरी जिंदगी खुशहाल है, अब तो मैं सब थ्रू हो गया. ऐसा नहीं है. आप रिसर्च करिए इस इंडस्ट्री के बारे में, रिसर्च करिए कि कौन से, क्योंकि हो क्या रहा है, इसका गलत फायदा भी बहुत सारे लोग उठा रहे हैं. काफी सारे ऐसे लोग हैं जो स्कैम्स को प्रमोट कर रहे हैं, ओपनली स्कैम्स के बारे में प्रमोशन कर रहे हैं. वो बेचारा जो आम आदमी है वो तो इन्फ्लुएंस हो ही जाएगा क्योंकि वो फॉलोअर्स देखता है, वो कहता है अरे यार ये तो क्या जबरदस्त चीज है, तो रातों रात मेरे पैसे डबल करने की बात कर रहा है, वो बेचारा उसमें इन्वेस्ट कर दे. आप अगर नए हैं या आपको कुछ साल हुए जैसे मेरी तरह, मुझे मेरे को पर्सनल बहुत सारे कॉइन्स आते हैं लेकिन जब मैं उसको बिटकॉइन से पैक करता हूं तो मुझे लगता है कि अगर आप एज ए न्यू कमर है तो अपनी रिसर्च करिए, साथ में स्टे इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन. कोई भी ऐसा कॉइन जो क्लेम करता है आपको रातों रात अमीर करने का, एक के दो करने का, या आपको हर महीने एक रिटर्न गारंटी कर रहा है, प्लीज आप उसे उसमें स्टे अवे फ्रॉम दैट. बिटकॉइन इज अ ब्यूटीफुल स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे आप गोल्ड है, जैसे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, it's a beautiful store of value. Tomorrow it can become a mode of payment also, it can become, you can do so many things, but tomorrow it is yet to be seen. So today
you can enter into this space, invest in Bitcoin and stay invested and do your research. Right. तो सही है, काफी सारा ज्ञान मिला, काफी सारी चीजें क्लियर हुई, काफी सारा क्वेश्चंस आंसर हुए, काफी यूनिक क्वेश्चंस भी मतलब काफी लोगों को इसमें अलग-अलग चीज पता चलेगी. तो थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग आउट द टाइम. थैंक यू वेरी मच गौरव. थैंक यू वेरी मच. इट्स बीन अ प्लेजर. इट वाज लवली स्पेंडिंग टाइम विद द इट वाज पता ही नहीं लगा वक्त का टू बी ऑनेस्ट. And we'd definitely love to meet you face to face next time we can. Yeah, next time. Sure. Definitely. Sounds good. Thanks. Okay. Thank you, Weber. Thank you. Bye. So, ये था final part episode 3 का. इस पूरे 6 parts में हमने काफी कुछ सीखा. मैं जब ये episode करने आया था तो मेरे जहन में भी कुछ सवाल थे और मुझे भी काफी कुछ सीखने मिला है. काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मेरी भी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुई है. इसके लिए मिस्टर रजा को तहे दिल से धन्यवाद. इसमें इन्होंने काफ़ी सरलता से बहुत सारे कंसेप्ट्स को टच किए. ICOs के बारे में क्या लीगैलिटी है, क्या उसे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, यूटिलिटी टोकन्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी टोकन्स क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज, सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग्स क्या होती है, ये सब भी हमने एक्सप्लोर किया. लीगल स्टैंड पॉइंट की ओर से भी क्या क्या रेगुलेटरी स्टांसेस है, रेगुलेटरी अप्रोचेस है जो अलग अलग कंट्रीज ने लिए है. जापान का हो गया, US का हो गया, अलग अलग कंट्रीज का हो गया. फिर ये भी हम काफ़ी सुनते हैं कि माल्टा इज काइंड ऑफ अ वेरी प्रोग्रेसिव ब्लॉकचेन नेशन, तो उन्होंने वो भी एक्सप्लेन किया कि उसका क्या रीज़न है, वाई आर दे काइंड ऑफ सो फोर्थकमिंग इन टर्म्स ऑफ ब्लॉकचेन. एंड यही नहीं, इसके अलावा भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज इन्वेस्टमेंट क्लास की ओर से कैसे है, नॉन KYC एक्सचेंजेस के अराउंड क्या रिस्क है, क्या बेनिफिट्स है जो होते हैं, ये भी हमने एक्सप्लोर किया. एंड लीगल टेंडर क्या होता है, क्या बिटकॉइन और किसी भी अन्य क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर स्टेटस मिल सकता है इंडिया में भी या बाहर भी, ये भी हमने एक्सप्लोर किया. इस वीडियो से मैं खुद काफ़ी सारी चीज़ें सीखा हूँ. मैं आशा करता हूँ कि आप भी इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या अंडरस्टैंडिंग या कोई सीख आप ले पाए. अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया हो, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन में से किसी भी लिंक पर क्लिक कीजिए. अभी के लिए इतना ही. वी आर गोइंग टू हैव एन इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी कमिंग इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑन क्रिप्टो टॉक्स. गेस द पर्सनैलिटी एंड विन 100 XRP. For now, you can leave in the comments who would that personality be, and one lucky winner gets about 100 XRP for guessing it right. For now, goodbye.